रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस के चिंतन शिविर में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के कई नेता। चिंतन शिविर के लिए छत्तीसगढ़ से आज कई नेता रवाना भी होंगे। सीएम बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रवाना होंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक विकास उपाध्याय भी इस दौरान रवाना होंगे और शामिल होंगे इसमें। 13, 14, 15 मई को उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर होने जा रहा है। शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। शिवम, 3 दिन के लिए उदयपुर में ये जो कांग्रेस का चिंतन शिविर होने जा रहा है, कितना अहम ये चिंतन शिविर, और तमाम नेता इसमें शामिल होने वाले हैं, कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होने वाले हैं, जाहिर सी बात है कि तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल अंजलि, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से देखने को मिला कि कांग्रेस बीते 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें कांग्रेस को एक बड़ी हार मिली, और उसके बाद ये कांग्रेस का चिंतन शिविर लग रहा है जो राजस्थान के उदयपुर में आयोजित है वो आगामी 3 दिनों तक रहने वाला है। 13, 14 और 15 मई तक कांग्रेस का ये चिंतन शिविर रहेगा, और इस चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ समेत देश भर से कांग्रेस के बड़े नेता जो है इस चिंतन शिविर में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता और राहुल गांधी की उपस्थिति में ये चिंतन शिविर होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और कई दिग्गज नेता इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। अगर हम छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात की जाए चिंतन शिविर की, तो निश्चित रूप से ये काफी ज्यादा अहम छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी माना जा रहा है, क्योंकि आगामी दिनों जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, और इस चुनाव को लेकर के भी एक जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है इस चिंतन शिविर में। जैसा कि बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये साफ कर दिया था कि कई विषयों को लेकर के जिम्मेदारियां सौंपी गई है, उन जिम्मेदारियों को लेकर के समीक्षा की जाएगी, जो टास्क दिए गए थे उसके फीडबैक लिए जाएंगे, और आगामी क्या रणनीति रहने वाली है कांग्रेस की उसको लेकर के विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो निश्चित ही काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है 3 दिवसीय ये चिंतन शिविर कांग्रेस का। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय भी इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। हालांकि अभी टाइम सामने नहीं आया है, लेकिन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, शिवम, हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी छवि को मजबूत किया है। लगातार वो अब दौरा कर रहे हैं, एक फेज उनके दौरे का कम्प्लीट भी हो चुका है। ऐसे में ये जो शिविर होने वाला है, चिंतन जो शिविर होने वाला है, ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यहाँ पर एक मॉडल के तौर पर यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, या फिर ये कहा जाए, जैसा कि अक्सर होता भी आया है, छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया जाना जाता रहा है। बिल्कुल अंजलि, देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार जो है काम कर रही है बीते 3.5 सालों में, तो निश्चित ही ये कांग्रेस के लिए जो है राष्ट्रीय स्तर पे भी छत्तीसगढ़ एक मॉडल जो है साबित हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार्य योजना, राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के कई बार खुद राहुल गांधी भी अलग अलग राज्यों के चुनावी सभा में छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाजों की तारीफ कर चुके हैं। तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ सरकार जिस ओर काम कर रही है बीते 3.5 सालों से, अगर बात की जाए गोधन न्याय योजना की या फिर राजीव गांधी न्याय योजना की, ऐसी तमाम कई महत्वाकांक्षी योजनाएं जो राज्य सरकार की इस वक्त चल रही है प्रदेश में, तो वो निश्चित ही कांग्रेस के लिए एक मॉडल जो है साबित हो चुके हैं, और आगामी चिंतन शिविर में भी इस मॉडल को लेकर के भी विस्तार से चर्चाएं होने की संभावनाएं जताई जा रही है। और ये भी संभावनाएं है कि आगामी दिनों कांग्रेस एक नई स्ट्रेटेजी लेकर के, छत्तीसगढ़ मॉडल की स्ट्रेटेजी को लेकर के कई राज्यों में जो है उतर सकती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम ऐसी घोषणाएं की, घोषणाएं करने के बाद यहाँ पर तमाम तरीके के जो लोगों को लाभ है वो देने का प्रयास भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया।